तो दोस्तों हमारे पास एक USB माउस है, तो ये माउस जो है काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो अगर हम सेटिंग के अंदर जाते हैं, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाके OTG कनेक्शन को यहाँ पे इनेबल करेंगे, तो ये माउस जो है काम नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये माउस काम नहीं कर रहा है। तो इसका ये जो USB वायर है तो ये ख़राब हो चुका है। दूसरा माउस भी है, मैं आपको यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इस माउस को एक बार रिपेयर किया था, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये माउस प्रॉपरली जो है काम कर रहा है। तो दोस्तों ये आप ख़राब USB माउस को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो वायर देख रहा है आपको दूसरा किसी एक USB वायर ले लेना है। इसको मैं कट यहाँ से कट लेता हूँ, ठीक है। इसको कट लेना है आपको, कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है इसको यहाँ से काट लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दूसरा आप USB देख रहे हैं, इसमें जो आप वायर देख रहे हैं सेमी तरह का वायर होता है। अगर कोई गलत वगैरह होता है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वायर रेड, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट है, और दो वायर जो है यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो वायर जो आप रेड को रेड में डालना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन को ग्रीन में, व्हाइट को व्हाइट में डाल देना है। उसके बाद इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया है इन दो वायर को। उसके बाद ये दो वायर जो आप देख रहे हैं ग्रीन एंड येलो, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। ये वायर आप यहाँ से इसको चेंज वगैरह भी करके देख सकते हैं अगर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको चेंज किया, उसके बाद ये सही है। मैं आपको फिर से एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद ये दो वायर को भी आपको सोल्डरिंग कर लेना है चेक कर लेने के बाद, ठीक है। बाद में ये दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कनेक्शन करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये माउस जो है प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो ये वायर को आपको कनेक्शन कर लेना है, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पूरा कनेक्शन कर लिया, उसके बाद मैं फिर से इसको सोल्डरिंग वगैरह करके यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं माउस प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।